मुझे इनकी कड़कदार बोली वाणी है, असरदार लड़ना भिड़ना आदत इनकी, रगड़ मिटाना चाहत इनकी, अपने पे रखते काबू। हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू। और करके आए थानेदारी, अब तो केवल खेती बाड़ी, जय जवान की जय किसान की, अजब गजब का इनका जादू, लगे ठहाके खुल के हंसते। हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू। अंकल जी, अरे ये हमारा बर्थडे गिफ्ट है। अरे वाह, आज तुम्हारा बर्थडे और तुमने हमें बताया तक नहीं। आज नहीं है, एक महीने बाद है। ओ। हमारी बुआ हमेशा हमारे बर्थडे से एक महीने पहले ही हमारा गिफ्ट भेज देती हैं। अरे मोतीलाल जी, दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं, पहले वो जो खाने के लिए जिंदा रहते हैं और दूसरे वो जो जीने के लिए खाते हैं। तुम कौन सी कैटेगरी के हो भाई? प्रधान जी, गाजियाबाद चले आज? अरे नहीं, वकील साहब आज बिजी है, वो दिल्ली जा रहे हैं। अरे तुम्हारे सामने ना बात की है, सुप्रीम कोर्ट में कोई उनका केस लगा हुआ है, दो दिन के बाद चलेंगे। अरे स्टेचू की तरह खड़ा ही रहिएगा कि कुछ हिलिएगा डुलिएगा भी। अच्छा ये फावड़ा को थोड़ा आराम दे दीजिए। तुम हमेशा निकम्मेपन की बात क्यों करते हो? अच्छा फावड़ा निकम्मा हो गया? अरे आपकी मर्जी से चलता है, कभी ना नहीं कहता है। अगर यही फावड़ा खुद ही चल के आपके पास आ जाए और आपसे कहे कि उठिए चलिए काम पे चलना है, तो खुद ही आप ही भागने लगेंगे। अरे ये तो निर्जीव है, हम तुम्हारी बात कर रहे हैं, निकम्मे बनोगे क्या? अच्छा आप तो दौड़ दौड़ के खजाना जमा कर रहे हैं। अरे हम काम को काम समझते हैं, तुम्हारी तरह सोचते नहीं रहते। मतलब कि आदमी नींद भी लेना छोड़ दे? हम तुम्हारी बात कर रहे हैं। अच्छा आदमी की नहीं? अच्छा मतलब कि हम आदमी हैं? अरे आदमी बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा पसीना बहाना पड़ता है भाई। तो पसीना बहा नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पसीना बहाना पड़ता है। रुकिए आप लोग, इसको बोलिए रुकने के लिए, ये बरसों से यही खड़ा है, रुका हुआ है। हम आप दोनों को रुकने के लिए कह रहे डमरू जी। इसको बोलिए बहुत ज्यादा खुशी होगी। अरे हमारा क्या है, हम तो रमता जोगी और बहता पानी है भाई। हाँ, रमता जोगी बहता पानी, बहता पानी नहीं, अब झुनझुना की तरह ना बजते रहते हैं। आप दोनों घर में भी इसी तरह मस्ती करते रहते हैं का? अरे सुरीली जी, ये मस्ती है का? ये तो हमारा टांग खींचते रहते हैं। देखा सुरीली जी, हम इसकी टांग खींच रहे हैं, क्या हम तेरे साथ कबड्डी मैच खेल रहे हैं? टांग नहीं खींच रहे थे आप, हम हमेशा टांग खींचते रहते हैं। हां तू कबड्डी की लायक, हम इधर आके पागल करके रख दिया। हम पागल किया क्या? पागल किया कैसे? बात कर रहा बड़े भाई से, इसको तो इतनी बात कर लिया, कैसे बात करता है? अरे ये किया ना आप इनको, चाय पिला इसको। हम चाय पिला नहीं, खाने की बात मत करो भैया। नमस्ते अशोक जी। नमस्ते। नमस्ते। आइए आइए बैठिए। नहीं नहीं, चाय वाय पी लिए क्या? अच्छा नहीं पिए, ठीक है साथ में बैठकर स्वाद लेते हैं। आप सुरीली, चार कप कॉफी बनाइए। बनाते हैं, अभी बनाते हैं। आपको कैसे पता चला कि हम चाय नहीं पिए हैं? भैया, अरे आपके मुंह से पता चल रहा है। हैं? हाँ। मुंह पे कहाँ लिखा है कि हम चाय नहीं पिए? उतरा हुआ है मुख आपका। अरे सुरीली का चाय पीकर तो लोग खिल जाते हैं, लेकिन आप काहे सुखाए हुए हैं चेहरा अपना? कहाँ सूखा हुआ है हमारा मुंह यार? भैया हाँ? आईना में जाके देखिए तब पता चलेगा। डमरू भैया तो क्या, आगे तो बोलिए। अरे जाने दीजिए सुरीली। अरे नहीं, नहीं नहीं, आपको अच्छा नहीं लगेगा। अरे नहीं नहीं, बोल दीजिए, हमें सब अच्छा लगेगा। भैया जो है ना, किसी की आंखों को भी आईना समझ लेते हैं। अच्छा। नहीं नहीं, एमएलए बाबू अपनी बात हम पर थोप रहे हैं। अवतार बाबू, कभी लोग ऐसे ही होते हैं क्या? भैया हमको तो नहीं मालूम, लेकिन रूपा होती तो जरूर बता देती। अब ये रूपा कौन है भाई, और कहां से बीच में आ गई? अरे भैया जब आप गांव में नहीं थे ना, तो बीच में गांव आई थी। ओके। अशोक की साली है। अरे हम सुने हैं,
कि वो बहुत ही अच्छा कविता लिखती है। हाँ। तुम अपने लिखे हुए कोई पोएट्री को नहीं पढ़ती, तुमने वादा भी किया था। देखो यार आज नहीं फिर कभी और। नहीं आज तो सुना ही दो। चलो अरे चलो चलो रूपा सुनाएगी। चलो सुनाते चलो डायरी लेकर आ जाओ। हाँ बिल्कुल। हाँ जी लेखिका साहब सुनाइए। सुना जी। सब एहसास शब्द और भाव है तुम्हारे लिए, मेरी हर सांस और स्वभाव है तुम्हारे लिए, मुझ में रची बसी जीवन की वानगी हो तुम, मेरे नस नस में बहाव है तुम्हारे लिए। वाह वाह वाह। हमें पता ही नहीं था रूपा इतना अच्छा लिखती है। क्या बात है। वो गई आप आ गए। इस गांव की धरती कवियों से खाली नहीं होने वाली। इसी बात पे हो जाए कविता। हाँ एक कविता सुना दीजिए बस। अरे अब तो सुनाना ही पड़ेगा एमएलए। सुरीली जी ने आग्रह किया है। अरे बेचैन बाबू अभी तो कविता सुना ही दीजिए। सुरीली जी भी बोल रही हैं। अरे हमको भी तो पता चले कि रांची जाकर कविता भूल गए या आती भी है। ठीक है सुना देता हूँ, लेकिन ये मेरी कविता नहीं है, ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अगे जी की कविता है। अच्छा हाँ हाँ अगे जी की कविता सुनाइए ना। सुनाते हैं। हाँ चलिए बैठिए पहले आप लोग आराम से सुनो मजा आएगा। हाँ सुनाइए। ये गला क्यों खंगाल रहे हो। अरे कविता सुनानी है कव्वाली नहीं सुनाने जा रहे। भैया डमरू जी आप रहने दीजिए, इनको ज्यादा मत टोकिए नहीं तो ये भी दब जाएंगे बस। ओके सुनाओ। सुनिए। तेरी आंखों में क्या मद है। हाँ भैया मत समझ रहे हैं ना। ओके सुनाओ। तेरी आंखों में क्या मद है जिसको पीने आता हूँ और जिसको एक मिनट निकल निकल। अरे कोई बात नहीं होता है चलिए। तेरी आंखों में क्या मद है जिसको पीने आता हूँ और जिसको पीकर प्रणय पास में तेरे मैं बंध जाता हूँ। अरे वाह वाह भाई रे अरे वाह बहुत बढ़िया वाह। आगे क्या लिखते हैं। तेरे उर में क्या सुवर्ण है, तेरे उर में क्या स्वर्ण है जिसको लेने आता हूँ। उर मतलब समझ रहे हैं। नहीं 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 छाती। ओके तो तेरे उर में क्या स्वर्ण है जिसको लेने आता हूँ और जिसको लेते हृदय द्वार की राह भूल में जाता हूँ। वाह भैया वाह भैया वाह। आगे फिर क्या लिखते हैं। तेरी काया में क्या गुण है, तेरी काया में क्या गुण है जिसको लखने आता हूँ। लखने मतलब समझ रहे हैं। नहीं समझने आता हूँ। समझना समझने आता। तेरी काया में क्या गुण है जिसको लखने आता हूँ और जिसको लख कर तेरे आगे हाथ जोड़ कर जाता हूँ। अरे भैया वाह भैया वाह भैया भैया। अरे यार वाह हर गया भैया वाह भैया बहुत बढ़िया। अरे इतना टाइम बाद एमएलए भैया की कविता सुन के मजा आ गया एकदम है बस। लेकिन डमरू भैया अब ताली काहे नहीं बजा। इसमें इनका अपना क्या था, अगर अपना लिखा हुआ गाते ना तो हम घर तक ताली बजाते जाते भैया। हाँ डमरू जी ऐसी बात नहीं है, बेचैन बाबू ने बहुत अच्छी कविता सुनाई है, तारीफ तो बनती है। चलिए हम अब कॉफी लाते हैं आप लोग के लिए। रहने दीजिए ना। अरे भूख नहीं है आज। क्यों? अरे तो बेटा बैठ चाय पी ले। नानी वो कॉफी पी के आ रहे हैं। प्रयागराज से मुखिया जी का फोन आया था, वो आपको कॉल कर रही थी, आपका फोन ही नहीं लग रहा था, नेटवर्क क्षेत्र से बाहर था। अच्छा तो क्या कह रही थी?
वो कह रही थी कि बीडी ने गलत तरीके से गांव वालों की जमीनों का जो पट्टा लिखवाया था उसकी जल्द ही हाई कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जल्द मतलब अगली तारीख पे? नहीं, कम से कम 2-3 महीने का समय तो लग ही जाएगा, ऐसा ही बताया उन्होंने। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। आपकी इन्हीं मीठी मीठी बातों के कारण हंटर बाबू आपके आसपास मंडराते रहते हैं। इसी तरह हंस बोलकर गृहस्थी कट गई। यदि शिकायत करने बैठते ना तो जीवन काटना बहुत मुश्किल हो जाती। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अरे शिकायतों में क्या रखा है, कमी तो हर किसी में होती है और लोग एक दूसरे की कमियों को गिनाते रहते हैं, अच्छाइयों को भूल जाते। बताइए। परिवार में यदि छोटी मोटी कमियों को नजरअंदाज कर दीजिए तो देखिए घर में कलह कभी नहीं होगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हंटर बाबू कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो आ ही रहे हैं। लो गाय माता, ये ले। अब तो हंटर बाबू की सूझबूझ की तारीफ कलेक्टर साहब भी सबसे करने लगे। हाँ। अरे कब तक इंतजार करवाएंगे? इंतजार तो हम आपका करते रहते हैं। प्रणाम। प्रणाम। फिर भी इंतजार ज्यादा करवा दिया। ओ, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। प्रयागराज से मुखिया जी का फोन आया था, वो आपको कॉल कर रही थी, आपका फोन ही नहीं लग रहा था, नेटवर्क क्षेत्र से बाहर था। अच्छा तो क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि बीडी ने गलत तरीके से गांव वालों की जमीनों का जो पट्टा लिखवाया था उसकी जल्द ही हाई कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जल्द मतलब अगली तारीख पे? नहीं, कम से कम 2-3 महीने का समय तो लग ही जाएगा, ऐसा ही बताया उन्होंने। बीडी सिंह भी ना जाने क्या खा के दिमाग बनाए हैं। बिल्कुल। अरे अपने गांव के जमीन दूसरे गांव के लोगों से पैसा लेके पट्टे पे दिए हैं। मखनी जी, अन्याय की उम्र कभी ज्यादा लंबी नहीं होती। मुखिया जी कब आ रही है? एक दो हफ्तों में आ जाएगी। अच्छा। अच्छा अब हम चलते हैं। हा? अरे अभी अभी तो आप आई हैं और अभी अभी कहती हैं चलती हूँ। बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे थे, अब चलते हैं। हाँ तो बैठिए ना थोड़ी देर और। अरे नहीं नहीं, घर के में भी तो काम होते हैं कि नहीं, घर का काम देखेंगे हम। अब हम चलते हैं। ठीक है। अच्छा अच्छा प्रणाम प्रणाम। मैं जरा छोड़ कर आता हूँ। चाय के लिए नहीं पूछे, आप बताइए।
अब चाय पियेंगी या आपके लिए फ्रूट काट के लाऊं? अरे बेटा थोड़ी देर रुक के चाय पी लेंगे। अच्छा अच्छा, वो अवतार कहाँ गया? अवतार? हाँ? अशोक के यहाँ गया है, आ ही रहा होगा। ये लो, आपके भी शरीर में एक मिनट के लिए चैन नहीं है ना, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। अरे मक्खी जी, साफ सफाई करते रहना चाहिए, नहीं तो जाले बढ़ते रहते हैं और शरीर सुस्त होता रहता है। फिर कीजिए। अरे संभाल के। संभाल के चल रहा हूँ, आप जो है संभालने वाली। हाँ वो तो दिख ही रहा है। अवतार इधर आ बेटा। अवतार तुम बैठो, हम तुम्हारे लिए और नानी के लिए फ्रूट लेके आते हैं। अरे रुको, एप्पल को बहुत अच्छी तरह से धोना, ये अवतार भी खा लेगा। सारा दिन पढ़ाई करता रहता है, जब देखो कॉफी पीकर आ जाता है, खाता कुछ है ही नहीं। हालत देखो कैसा पतला हो गया है। हाँ वो तो हो गया है। तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए एप्पल लेके आ रही हूँ। मम्मी तो रहने दीजिए ना। अरे भूख नहीं है आज। क्यों? अरे तो बेटा बैठ चाय पी ले। नानी वो कॉफी पी के आ रहे हैं। तो मैं तो क्या काम है तुझे? अरे मुझे एक काम है, वो एक मेल आया है, वो चेक करना है मेरे को। बेटा मेल तो फोन पे भी चेक कर सकते हैं ना। वो क्या है ना मम्मी कि वो पीडीएफ फाइल है, वो सिर्फ लैपटॉप पे ही खोली जा सकती है। हाँ। ठीक है तो मैं वो देख के। काम था? नहीं, हम तो बस यूं ही पूछ रहे थे कि आप कहां थे। इसे क्या हुआ? हमारे सवाल का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। दोनों बाप बेटा बिल्कुल एक जैसे हैं। कुछ भी हो, आंधी आए या पानी आए, पर योग व्यायाम और एक्सरसाइज करना नहीं छोड़ते। कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
दोनों बाप बेटा बिल्कुल एक जैसे हैं। कुछ भी हो, आंधी आए या पानी आए, पर योग, व्यायाम और एक्सरसाइज करना नहीं छोड़ते। अरे अरे, हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तुम अपना काम करो। इच्छा है वही करो, जब सोना है सो, जब पढ़ना है पढ़ो, और दूध में ये छोड़ी जा रही हूँ, जब इच्छा हो पी लेना। मम्मी अब दूध ले जाइए अभी। अच्छा चाची, ये तो धान की फसल है ना सारी? हाँ रे, ये धान की फसल है, तभी तो हम इनकी बाली की तरह झूम रहे, लहरा रहे हैं। पिछले साल के सारे घाव भर जाएंगे इस बार। लेकिन चाची, पिछली बार तो फसल अच्छी हुई थी ना? हाँ हुई थी, लेकिन किसी की नजर लग गई थी। अपने अनुभव से बढ़कर दुनिया में कोई किताब नहीं होती बेटा। मुझे कोई आंकड़े थोड़ी बताने हैं, जिनके पास आंकड़े हैं वो देंगे।